अनस्पोकन, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले सीमेंट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, और फिर उसके मैन्युफैक्चर को डिस्कस करेंगे, और आगे उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सीमेंट है उसकी अच्छी क्वालिटी की सीमेंट की कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन कि सीमेंट जो है वो बेसिकली क्या है। तो सीमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स विद 2-4% जिप्सम, व्हिच आर क्लिंकर्स ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कैल्सेरियस एंड आर्जिलेशियस सब्सटेंसेस। तो सीमेंट हमारे पास बेसिकली क्या होती है, इसमें ना दो सब्सटेंसेस को हम यूज करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चर में। एक होते हैं कैल्सेरियस सब्सटेंसेस, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि बेस वाले कंपोनेंट्स हैं, और दूसरे होते हैं आर्जिलेशियस कंपोनेंट्स, जो कि एसिडिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि एसिड से आते हैं। तो इन दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके ना हम क्या बनाते हैं, क्लिंकर्स बनाते हैं। ठीक है, क्लिंकर्स बेसिकली क्या होते हैं, छोटे छोटे, जैसे अगर हम, आपने देखा होगा, जैसे मटर के दाने नहीं होते, उसी साइज के ना छोटे छोटे क्लिंकर्स होते हैं। तो हम जो है क्लिंकर फॉर्मेशन करके उसके बाद हम क्या करते हैं, उन ये जो क्लिंकर्स बनते हैं उसके अंदर जिप्सम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिप्सम का आपको पता है ना, कैल्शियम सल्फेट को, तो उसको ऐड करने की वजह क्या है वो हम आगे मैन्युफैक्चर में देखेंगे। तो हम जिप्सम को क्लिंकर्स में ऐड करके, और जिप्सम हम लेते भी कितना है, 2-4% लेते हैं, और ये जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना सीमेंट की बेसिक डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सीमेंट की टाइप्स। सीमेंट ना टू टाइप्स की होती है, एक होती है पोर्टलैंड सीमेंट, एक होती है वाइट सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट जो थी ना, वो बेसिकली 1824 में एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ एस्पिडन, उन्होंने इस सीमेंट को ना किस तरह प्रिपेयर किया था, उन्होंने ना क्ले और लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन की थी। कैल्सिनेशन का क्या मतलब है, कि इन्होंने ना क्ले और लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम को ऐड किया था, तो उससे ना जो सीमेंट प्रोड्यूस हुई थी ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पोर्टलैंड आइलैंड जो इंग्लैंड में है उनके बिल्डिंग स्टोन के स्ट्रक्चर से मिलता था। ठीक है, तो इसलिए उस सीमेंट का नाम जो है वो क्या हो गया, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, और वाइट सीमेंट कौन सी सीमेंट होती है, जिसके अंदर ना आयरन इम्प्योरिटी के तौर पे नहीं होता, यानी आयरन ऑक्साइड्स उस सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होते, तो सीमेंट का जो कलर है ना वो वाइट कलर का होता है, इसीलिए हम उसको वाइट सीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ना ये टाइप्स आ गई दो, पोर्टलैंड सीमेंट और वाइट सीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चर। अब जो मैन्युफैक्चर है ना, उसके दो तरीके हैं, एक होता है वेट प्रोसेस और एक होता है ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस में ना हम पेस्ट बनाते हैं सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ड्राई प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पेस्ट नहीं बनाते हैं रॉ मटेरियल का, हम सिर्फ उसको ना ग्राइंड करके और सीमेंट बना लेते हैं। तो वेट प्रोसेस जो है ना, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में वेट प्रोसेस यूज़ होता है, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी क्वालिटी की सीमेंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम जो प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो भी कौन सा है, वेट प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर है सीमेंट की, उसमें रॉ मटेरियल कौन से आते हैं वो हम देख लेते हैं। कैल्सेरियस मटेरियल आता है, ठीक है, जो कि बेसिक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आ जाते हैं आर्जिलेशियस कंपोनेंट्स या आर्जिलेशियस मटेरियल, जिनमें हमारे पास क्ले आती है, स्लैग आता है। ठीक है, ये वो वाले कंपोनेंट्स हैं जो कि एसिडिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जिप्सम। जिप्सम जो है आपको पता है, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया है कि हम डालते हैं इसमें, और उसके बाद हमें फ्यूल भी चाहिए, जाहिर सी बात है। फ्यूल जो है वो कोल भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी हो सकती है, और फर्नेस ऑयल भी हो सकता है। तो ये चार चीज़ें हमें सीमेंट की मैन्युफैक्चर में चाहिए होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व, कि हमारे पास ना जो पूरा प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, हमें उनको पाउडर फॉर्म में लेना होता है, तो हम उनको क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। अब उनकी क्रशिंग के लिए हमारे पास जो चीज़ें यूज होती हैं वो क्या है, रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल। रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम ना बड़े बड़े जो सब्सटेंसेस हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स जो हैं उनको क्रश कर लेते हैं।
और ट्यूब मिल्स को भी हम यूज कर लेते हैं जिनमें स्टील बॉल्स होती हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के लिए। तो हमारे पास दो तरह की चीजें हैं जिससे हम रॉ मटेरियल्स की क्या करवा देते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। अब हमारे पास ना पाउडर्ड आ गया ना रॉ मटेरियल, अब क्या करना है हमें, अब सेकेंड स्टेप आ जाता है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो पाउडर्ड फॉर्म में है उसे हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में वाटर के साथ, और हमारे पास जो है एक मटेरियल आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लरी फॉर्मेशन है बेसिकली सेकेंड स्टेप, कि पहले रॉ मटेरियल को हमने ग्राइंड किया, क्रश किया, उसके बाद हमने उसकी स्लरी प्रोड्यूस की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीटिंग द स्लरी। अब जो स्लरी हमारे पास प्रोड्यूस हुई है ना, उसे हम ना एक रोटेट जो हमारे पास किल्न है, बर्निंग किल्न, उसमें हम क्या करेंगे, उसको हीट करवाएंगे ताकि हमारे पास जो है वो सीमट के क्लिंकर प्रोड्यूस हो सकें। तो अब हमारे पास जो रोटेटिंग किल्न है ना, जिसमें हम हीट करवा रहे हैं स्लरी को, उसमें ना तीन तरह की बर्निंग जोन्स आती हैं, तीन तरह की टेम्परेचर जोन्स उनको कह सकते हैं आती हैं। तो अब हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके अंदर प्री हीटिंग जोन में ना थोड़ा सा टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या होगा, इसमें ना मॉइस्चर रिमूव होगा रॉ मटेरियल का, जितना भी मॉइस्चर है ना स्लरी बनाने में जो यूज हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जो क्ले है वो ब्रेक हो जाएगी, क्ले को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो जोन है वो है डीकम्पोजिशन जोन। डीकम्पोजिशन जोन क्या होती है, इसमें हमारे पास ना डीकम्पोजिशन होती है किसकी, लाइमस्टोन की, और इसमें हमारे पास ना जो टेम्परेचर है वो 500 से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा ना कि डीकम्पोजिशन के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो 900 डिग्री सेल्सियस इधर टेम्परेचर होता है, ठीक है, और लाइमस्टोन हमारे पास डीकम्पोज हो जाता है लाइम में और CO2 में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड जोन आ जाती है बर्निंग जोन। अब इस जोन में क्या होता है, इस जोन में ना टेम्परेचर 900 से भी एक्सीड कर जाता है और 1500 तक पहुंच जाता है, और इधर जितने भी हमारे पास क्ले के ऑक्साइड्स बने हैं और लाइमस्टोन के जो लाइम और CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करते हैं, वो वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं सिलिका के साथ, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फिराइट और कैल्शियम इल्यूमिनेट, यानी कि अलग अलग होंगे ना कंबाइन। ये जो CaO बना है ना बेसिकली लाइम जो है वो किस, ये उसका जो ऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो पहले सिलिका के साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर Fe2O3 के साथ कंबाइन होगा, फिर Al2O3 के साथ कंबाइन होगा, और हमारे पास ना कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम फिराइट बनेगा और कैल्शियम इल्यूमिनेट बनेगा। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स हमारे पास जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो क्या फिर बनाते हैं, आगे फर्दर क्लिंकर बनाते हैं। ठीक है, और यही क्लिंकर जो है वो सीमट है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आ जाता है ना वो रिएक्शंस हैं, कि हम जो हीटिंग जोन है उसके अंदर कौन कौन से ना रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी हीटिंग जोन्स है ना इनमें रिएक्शंस तो हो ही रहे हैं, तो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब हम रिएक्शंस को देख लेते हैं। रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहले जो लाइमस्टोन है CaCO3 वो डीकम्पोज जब होता है ना तो वो बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना देता है। ठीक है, उसके बाद अब जो CaO है उसने आगे सिलिका के साथ कंबाइन होना है, आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइन होना है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होना है, तो 3CaO जो है वो SiO2 के साथ कंबाइन होता है। वो इधर मैंने इसीलिए लिखा है ऑल दी ऑक्साइड्स, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में है। तो
तो ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये सिलिका का ऑक्साइड है, ये आपस में कंबाइन होके बनाते हैं Ca3SiO5, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है Al2O3 है, एल्यूमिनियम का सिलिकेट, वो हमारे पास बना रहा है Ca2Al2O5 डाई कैल्शियम इल्यूमिनेट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास Fe2O3 है जो हमारे पास बना रहा है CaFe2O5, ठीक है, जो हमारे पास है डाई कैल्शियम, बल्कि इधर हमारे पास इस तरह आएगा, ठीक है, CaFe2O5, ठीक है, कैल्शियम फेराइट बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास ना जो है जो हमारे पास थर्ड जोन है, बर्निंग जोन, उसके रिएक्शंस हैं, उसमें ये रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना थर्ड स्टेप जो है, वो तीन इतने स्टेप हैं, चौथा अब हम स्टेप जो है वो देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर्स। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, अब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बना है ना, ये सारे जितने भी बने हैं ऑक्साइड्स, ये क्लिंकर्स हैं। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज क्लिंकर, सीमेंट क्लिंकर। दीज आर इन द साइज रेंज ऑफ स्मॉल नट्स टू पीस, ठीक है, ये मटर के दाने जितना ना इनका साइज होता है, जो क्लिंकर बनते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो स्टेप है वो आ जाता है ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स विद जिप्सम। जिप्सम हमने ऐड करना है क्लिंकर्स के अंदर। तो हमारे पास ये आ जाता है कि हम द क्लिंकर्स, सबसे पहले क्लिंकर्स को एयर कूल्ड किया जाता है, ठीक है, द क्लिंकर्स आर एयर कूल्ड एंड देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जिप्सम, रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है जिप्सम की, 2-4%। तो 2-4% जो है वो जिप्सम इसमें ऐड किया जाता है, इज एडेड इन द क्लिंकर्स, ठीक है। और ये जो जिप्सम है ये क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि जो सीमेंट होती है ना उसके अंदर, अब हमने सीमेंट से क्या बनाना है, हमने सीमेंट से जो है वो वॉल्स बनानी है अपनी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सीमेंट जो है ना, अब जब हम ब्रिक्स रखते हैं सीमेंट के साथ, तो सीमेंट जो है वो उस ब्रिक को क्या करती है, अपने साथ जोड़ लेती है, ठीक है, तभी हमारी बिल्डिंग बनती है ना। तो सीमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, ये जो जोड़ने वाली प्रॉपर्टी है, सेट करने वाली प्रॉपर्टी है, कि वो ब्रिक्स को अपने साथ सेट करती जाती है, तो वो प्रॉपर्टी जिप्सम की वजह से आती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द जिप्सम is added to regulate the setting time of cement. तो cement का ना setting time होता है, ठीक है, आपने ये term पढ़ी होगी, cement का एक setting time होता है। तो gypsum जो है वो उस setting time को बढ़ाने के लिए help करता है, तो इसीलिए हम ना cement के अंदर gypsum add करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना आ गए स्टेप्स कि सीमेंट किस तरह प्रोड्यूस होती है। जब सीमेंट प्रोड्यूस हो जाती है तो उसे बल्क जो पैकेजेस हैं, बल्क कंटेनर्स में डाल के डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ना हमारे पास एक गुड क्वालिटी जो सीमेंट है ना, उसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी ये होगी चीज़, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट इंडस्ट्री जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो गुड क्वालिटी सीमेंट की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है।
पोजीशन ऑफ गुड क्वालिटी सीमेंट। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले मटेरियल्स लिख देती हूँ कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है लाइम, उसके बाद आता है सिलिका, फिर एलुमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड आता है, पोटाशियम ऑक्साइड है, और हमारे पास आता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो एक गुड क्वालिटी सीमेंट होती है ना, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आ जाती है इनकी कंपोजिशन। लाइम हमारे पास होना चाहिए 61.5%, सिलिका होना चाहिए 22.5%, एलुमिना हमारे पास होना चाहिए 7.5%, ठीक है, मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड होने चाहिए 2%, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड होने चाहिए 1.5%, और सल्फर ट्राइऑक्साइड होना चाहिए 1%। तो ये हमारे पास ना क्या है, कंपोजिशन एक गुड क्वालिटी सीमेंट की, कि हमारे पास ना अगर एक सीमेंट में ये कंपोजिशन प्रेजेंट है ना, और ये वाले सब्सटेंसेस या कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है, तो हमारी जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर हमने सीमेंट की क्वालिटी चेक करनी है तो उसकी कंपोजिशन जो है वो चेक कर सकते हैं। और हमारे पास ना सीमेंट का जो टेस्ट है ना एक, कि अगर हमने सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है नीडल टेस्ट, ठीक है, फ्लैट नीडल टेस्ट, तो उसको भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं सीमेंट का सेटिंग टाइम चेक करने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, उस पर कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।